अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कढ़ियाँ, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और आपको पता है फ्राइडे के दिन जो है ना टाइम बहुत कम होता है, नमाज़ पढ़नी होती है और आपको पता है काम वगैरह भी करना होता है। देखिए मैं जो है ना आलू की कढ़ियाँ बना रही हूँ, तो ये मैंने आलू कटिंग कर लिए थे और टमाटर भी मैंने जो है कम ही लिए, क्योंकि जो है ना मेरे को टमाटर से ज़्यादा समय डालने नहीं थे और गर्मी। यहाँ मैंने बॉयल के आलू भी चढ़ा दिए थे बच्चों के लिए कि बॉयल खा लेंगे और कैट भी हमारे शौक से खा लेते हैं। चिकन में मैं मिला कर उन्हें दे देती हूँ। आलू मैंने डाल दिए प्याज ब्राउन करके और इसमें जीरा थोड़ा सा डाल दूँगी। उसके बाद जो मैंने मसाला निकाला है, एक टमाटर लिया था बिल्कुल छोटा सा, इसमें मैंने मसाला घर का ही जो डालते हैं ऐड करके बस उसको डाल कर मैं इसको दम पर रख दूँगी, थोड़े थोड़े से जो है ना ब्राउन हो जाए। इसके बाद मैं इसमें सारा कुछ ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लस्सी बनाऊँ, क्योंकि जैसे पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ हमने लस्सी भी रेडी करने के लिए रख दी। मैंने कहा जो है ना साथ ही साथ लस्सी भी तैयार हो जाएगी, तो ये है कि सुकून से आराम से पी लेंगे। और इनके पापा भी आने वाले थे, मैंने कहा चलो वो भी पी लेंगे। और यहाँ पे मैंने चिकन रख दिया था, चिकन बॉयल होने के लिए कैट के लिए रख दिया था। रोटियाँ भी मैंने तैयार कर दी थी बनाकर, और खाना भी हमारा रेडी हो चुका था। बॉयल जो आलू थे वो बच्चों को दे दिए थे, बच्चों ने जो है फिनिश कर दिए थे खा के, और मैंने कैट के लिए थोड़ा बहुत रख दिया था। हमारी कैट जो है खाती ही नहीं। यहाँ हमारी लस्सी रेडी हो गई है बर्फ़, उसमें जो है ना हमने क्यूब्स डाल दी थी, तो ये लस्सी भी काफ़ी अच्छी लग रही है कि आप पियेंगे तो पता चलेगा। जो ग्राइंडर में बनाते हैं तो ज़्यादा वो हो जाती है मैल, तो वो थोड़ा सा जायका नहीं आता अच्छा। यहाँ पे हमने चिकन शेड कर लिया था, शेड करके जो है मैंने रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा उबाइल आलू मिला के तो उसको दे दूँगी, तो माशाल्लाह शौक से खा लेती है। यहाँ हमने मैगी बनाई थी, बच्चों को मैगी बना के दे दी थी, शाम का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलो मैगी खा लेंगे, पेट भर जाएगा। और उनके पापा बाहर गए हुए थे, तो वहाँ से ये कराची हलीम से हलीम ले आए थे, उनको पसंद है और दिल भी कर रहा था उनका, तो वो हलीम लेकर आ गए थे और बच्चों के लिए खीर लेकर आए थे। तो मोहम्मद अली आपको निकाल के शो करा रहे हैं कि क्या लेके आए हैं पापा हमारे। अच्छा जी, बात हमारी रह गई वीडियोज़ को लाइक करा करें, कमेंट्स करा करें वीडियोज़ पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आती होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।